डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसको जेल की सजा हो गई। लेकिन कुछ ऐसे बाबा हैं जो लड़कियों का शारीरिक शोषण करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। मामला कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक गुरुद्वारे में सेवादारी करने वाली लड़की ने गुरुद्वारे के प्रधान पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी जब लड़की की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मेरा पूरा मामला ये है कि हम गुरुद्वारे में सेवा करते थे, वहाँ पे जो गुरुद्वारा संकट और दुख निवारण सरसियागढ़ के प्रधान हैं, उनकी वाइफ अमरजीत कौर, वो हमको मारते थे और खाना तक भी नहीं देते थे। हमारे साथ वो वहाँ पे एक गरीब बच्चों का स्कूल खोला हुआ, वहाँ पे इंद्रजीत ना उनके साथ असली हरकतें करते थे। मैंने बस उनको देख लिया था, उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हमने एसएसपी ऑफिस में की है। क्या क्या वहाँ से क्या समाधान मिली? कोई पता नहीं सर, 14 दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ नहीं हुआ। नहीं। पीड़ित के वकील का कहना है कि पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। पुलिस अभी केवल जांच ही कर रही है 14 दिन से, जब से प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो 156(3) में हम लोग जो है न्यायालय की शरण में जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जब गुरुद्वारे के प्रधान से बात की तो उसने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि ये लोग गलत आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो मेरे पर आरोप लगे हैं वो मुझको ब्लैकमेल करने के लिए लगे। यहाँ पर दो महिलाएं किट्टी चलाती हैं, 1 लाख रुपए यहाँ गुरुद्वारे से लिया और मेरी पत्नी से करीब 2.5 लाख रुपए के उन्होंने किट्टी डलवा के पैसा नहीं दिया और घर में किट्टी डाली तो मेरी पत्नी ने उसकी हेरा फेरी पकड़ ली, भांडा फोड़ दिया। दरअसल कल्याणपुर क्षेत्र की रहने वाली लड़की 10 सालों से सरसैया घाट पर बने गुरुद्वारे में सेवादारी करती थी। गुरुद्वारे का प्रधान इंद्रजीत 8 सालों से लड़की के साथ गलत हरकतें करता रहा। 8 साल पहले भी लड़की ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन तब उसको पुलिस ने डांट कर मामला शांत करवा दिया था। न्यूज के लिए कानपुर से चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।